हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो हम स्किन की बात कर रहे थे, उसमें हमने डर्मिस लेयर को देखा, एपिडर्मिस लेयर को देखा, और डर्मिस लेयर के रिगार्डिंग हमने आपको बताया था, उसमें एरेक्टर पिलाई, सीबेसिस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हमने स्वीट ग्लैंड को देखा, स्वीट ग्लैंड की हमने बात करी। स्वीट ग्लैंड दो तरीके की होती है, एक्राइन स्वीट ग्लैंड एंड एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एरेक्टर पिलाई। एरेक्टर पिलाई लिटिल बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के एक बंडल होती है एरेक्टर पिलाई, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है, अटैच टू द हेयर फोलिकल्स। ये हेयर फोलिकल्स से क्या होती है, अटैच होती है, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्टैंड इरेक्ट। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये स्टैंड फॉर इरेक्ट, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये रोंगटे खड़े करने का काम कौन करती है, हमारी एरेक्टर पिलाई मसल्स करती है। कोई भी फियर एंड कोल्ड कंडीशन, हम कोई एक्सीडेंटल केस ऐसा देख लेते हैं जो फियर वाला हो, या फिर कोल्ड के मौसम में ये एरेक्टर पिलाई क्या करती है, हमारी रोंगटे खड़े करने का काम करती है। इसी में एक टर्म आती है गूस फ्लैश। गूस फ्लैश, ये गूस फ्लैश क्या है, इसको देखिएगा, ये गूस फ्लैश भी फियर एंड कोल्ड कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। इसमें कभी आप अपनी स्किन को गौर से देखिएगा, हमारी जो स्किन के जो हेयर्स है, जो रोंगटे हैं, वो खड़े होने के बाद स्किन पर जो व्हाइटिश व्हाइटिश डॉट डॉट सी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, उसको ही क्या बोलते हैं, गूस फ्लैश। एरेक्टर पिलाई है ये बंडल ऑफ स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। जब ये फियर एंड फाइट कंडीशन में जो स्मूथ मसल्स क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से जो हेयर है, रोंगटे हैं, वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया एरेक्टर पिलाई अटैच टू द हेयर फोलिकल्स, ये हेयर फोलिकल्स से क्या होती है, अटैच होती है। ये हेयर फोलिकल्स आप देखिएगा, ये हमारी डर्मिस एपिडर्मिस लेयर है, ये डर्मिस लेयर, मिडल लेयर, और ये सबक्यूटेनियस। जो ये हमारी डर्मिस लेयर है, इसमें ये हेयर रूट प्रेजेंट है, और जो ये कैविटी दिख रही है आपको, ये क्या है, हेयर फोलिकल्स, इससे अटैच होती है ये एरेक्टर पिलाई, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और ये हेयर स्टैंड इरेक्ट, यानी कि रोंगटे खड़े करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद देखिएगा सीबेसियस ग्लैंड, हमने स्वीट ग्लैंड को वहाँ पे देखा था फर्स्ट क्लास में, और यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। तो ये कंसिस्ट करती है सीक्रेटरी एपिथीलियल सेल्स, सीक्रेटरी एपिथीलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। उसके बाद ये सीक्रेट क्या करती है, सीबम का सीक्रेशन करती है। सीबम, जो ये सीबम है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, या मैं इसको बोलूं सबस्टांस। ये काम क्या करता है, ये एंटी माइक्रोबियल सबस्टांस है, जो काम क्या करता है, ये हमारी स्किन को ड्राई होने से रोकता है, और इस इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इन्फेक्शन से स्किन को ड्राई होने से ये क्या करता है, रोकता है। सीबम है, ये ऑयली सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेगा, ऑयली लाइक। उसके बाद देखिएगा, मैंने आपको बताया प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्राई एंड क्रैकिंग से। ये कंडीशन हमको ज़्यादा तो ठंड के मौसम में देखने को मिलती है, आप देखिएगा ठंड के मौसम में हमारी स्किन क्या है, ड्राई हो जाती है, ड्राई, और इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन को रोकती है सीबम। उसके बाद हमारा आता है हेयर। हेयर की मैं बात करूं तो आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे एक बार, जो इसमें ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है, ये मिडल वाली डर्मिस लेयर, और ये लास्ट सबक्यूटेनियस लेयर, जो हमारी ये डर्मिस लेयर है, इसमें आपको जो हेयर का जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, जो डर्मिस लेयर के अंदर है, वो कहलाता है हेयर रूट। और जो पार्ट हमको विजिबल हो रहा है एपिडर्मिस से, जो पार्ट निकल रहा है हमको, जो विजिबल हो रहा है, उस पार्ट को कहते हैं हम शाफ्ट, शाफ्ट के नाम से जानते हैं, शाफ्ट ऑफ हेयर। हेयर का विजिबल पोर्शन क्या कहलाएगा, शाफ्ट। और जो अंदर एम्बेडेड है डर्मिस लेयर के अंदर, जो एम्बेडेड है
उसको बोलेंगे हम हेयर रूट। और ये हेयर रूट के सराउंडिंग हमको एक कैविटी देखने को मिलती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं हेयर फोलिकल्स। और इस हेयर फोलिकल से ही ये एरेक्टर प्लाई क्या होती है, अटैच होती है, अभी आपको बताया था। तो मैं बात करूँ आगे तो देखिएगा, प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी एक्सेप्ट पाम एंड सोल। ये जो हमारे हेयर होते हैं ये पूरी ऑल ओवर बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, बट ये हमारे पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फिट, यानी कि हाथ की हथेली और पैर नीचे वाला एरिया, हील वाला एरिया, वहाँ पर क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पर देखने को नहीं मिलते। उसके बाद आता है हेयर रूट प्रेजेंट डर्मिस पार्ट। बिल्कुल, जो ये हेयर रूट वाला पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये डर्मिस पार्ट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो हेयर ग्रो इन ए कैविटी हेयर फोलिकल्स, ये हेयर एक कैविटी के अंदर ग्रो करते हैं और उस कैविटी को हमने नाम दिया हेयर फोलिकल्स। ये देखिएगा ये कैविटी, इसके सराउंडिंग हेयर रूट के जो सराउंडिंग आपको कैविटी देखने को मिलेगी उसको बोल रहे हैं हम हेयर फोलिकल्स कैविटी। उसके बाद में बात करूँ तो हेयर कलर डिपेंड मेलेनिन प्रेजेंट, हेयर का जो कलर है वो डिपेंड करता है मेलेनिन के, अगर मेलेनिन का सीक्रेशन हो रहा है तो आपको वहाँ पर कलर हेयर का कलर ब्लैक देखने को मिलेगा, अगर वहाँ पर हेयर का जो कलर है वो व्हाइटिश देखने को मिल रहा है, यानी कि वाइट कलर अगर हमको हेयर का देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है जो मेलेनिन का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो रुक गया, यानी कि मेलेनिन का प्रोडक्शन अब हमको देखने को नहीं मिल रहा, स्टॉप मेलेनिन प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हेयर है उसको वाइट कलर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने बात करी इरेक्टर प्लाई की, इरेक्टर प्लाई क्या, एक स्मूथ मसल्स का एक बंडल है और उसके बाद ये इरेक्टर प्लाई अटैच होती है हेयर फोलिकल से, रेस्पॉन्सिबल होती है हेयर स्टैंड इरेक्ट यानी कि रोंगटे खड़े करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये गूस फ्लैश बनाती है यानी कि फियर एंड फाइट कंडीशन में जब आपको स्किन रोंगटे खड़े कर देती है उसी को हम बोलते हैं। उसके बाद आती है सीबेसियस ग्लैंड, कंसिस्ट करते हैं सीक्रेटरी एपिथीलियल सेल्स को। उसके बाद देखिएगा सीक्रेट करती है सीबम का, सीबेसियस ग्लैंड सीबम का सीक्रेशन करती है सीबम, अभी आपको बताया ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट या सब्सटेंस है जो उनको इन्फेक्शन ड्राई और स्किन को फटने से रोकता है। उसके बाद आता है एक्सेप्ट पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फिट, यानी कि जो ये सीबेसियस ग्लैंड ये हमारे हाथ की हथेली वाले एरिया और पैरों में हील वाले एरिया वहाँ पर क्या होती है, एक्सेप्ट होती है, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट जो स्वीट ग्लैंड हमने आपको बताया था वो पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फिट पे ज़्यादा देखने को मिल रही थी और सीबेसियस ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने हेयर्स की बात करी, हेयर रूट को देखा, हेयर फोलिकल्स को देखा, हेयर शाफ्ट क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेजेंट होते हैं हमारी ऑल ओवर बॉडी पर और ये हमारे पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फिट पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हेयर का कलर है उसका डिसाइडेशन कौन कर रहा है, मेलेनिन, अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो हमको हेयर का कलर कैसा देखने को मिलता है, व्हाइटिश कलर। इसके बाद हम बात करते हैं नेल्स की, तो चलिए हम बात करते हैं नेल्स पर। हमने हेयर्स को देखा, सीबेसियस ग्लैंड को देखा, स्वीट ग्लैंड को देखा, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेल्स। नेल्स फॉर्म्ड बाय हार्ड क्रिएटिन प्लेट्स, हमने आपको बताया था जो क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन वो स्किन हेयर नेल्स उसको बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैं नेल्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ तो नेल्स ये हार्ड क्रिएटिन प्लेट से मिलकर बने होते हैं, हार्ड। उसके बाद आता है रूट ऑफ नेल एम्बेडेड इन स्किन, एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ, जो नेल्स का जो रूट वाला पार्ट है, नेल्स का जो जड़ वाला पार्ट है वो स्किन के अंदर क्या होता है, अंदर धंसा हुआ होता है। आप देख रहे हो अपने नेल्स को, देखिएगा जो नेल्स का रूट वाला पोर्शन है वो आपको स्किन के अंदर एम्बेडेड हुआ मिलेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेगा आप नेल्स के, देखेगा आपको उसमें देखने को मिलेगा फ्री एज, बॉडी ऑफ नेल, फिंगर और ये ल्यूनुला। मैं आपको बताता हूँ, देखेगा जो फ्री एज पार्ट है, फ्री एज जो पोर्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि कटिंग पोर्शन, जो हम नेल्स को कट करते हैं ऊपर वाला पोर्शन, कभी आप जो आप नेल्स बढ़ा कर देखेगा ये एक अलग ही दिखेगा आपको, ऊपर जो पार्ट आप कट करते हो, भाई कोई 7 दिन में करता है, कोई 10 दिन में, अरे सर हम तो कट ही नहीं करते,
तो देखिएगा आप, ये जो कटिंग पोर्शन है इसको बोल देता हूँ कटिंग पोर्शन ऑफ नेल, इसको हम बोलते हैं फ्री एज। उसके बाद जो सेंटर वाला पोर्शन है आपको नेल्स का, जो सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ नेल्स। सेंटर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी ऑफ नेल्स। उसके बाद ल्यूनुला, ल्यूनुला क्या है, जो ये आप देखिएगा आप, ये आपकी फिंगर, फिंगर से ऊपर और बॉडी ऑफ नेल्स के नीचे ये एक आपको वाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी नेल्स पर। ज़्यादा की मैं बात करूँ तो ज़्यादा आप अंगूठे को देखिएगा, आपके अंगूठे पर ये वाइटिश स्ट्रक्चर नीचे देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं हम ल्यूनुला, वाइटिश पोर्शन ऑफ नेल्स कॉल्ड ल्यूनुला। उसके बाद देखिएगा फिंगर नेल ग्रो फास्टर देन टॉय नेल्स, यानी कि हाथों के जो नेल्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं कंपेयर टू टॉय, यानी कि पैरों के नेल्स की तुलना में हाथों के नेल्स जल्दी ग्रो करते हैं। अगर मैं इसके ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ अबाउट 0.1 mm पर डे, लगभग 0.1 mm की ग्रोथ आपको पर डे देखने को मिलेगी नेल्स की। ये हार्ड क्रिएटिन प्लेट से मिलकर बने होते हैं, रूट ऑफ नेल एम्बेडेड इन स्किन, जो नेल्स की जो रूट वाला पोर्शन है, जो जड़ वाला पोर्शन है, वो स्किन के अंदर हमको दसा हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो ये फ्री एज पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कटिंग पोर्शन जिसको आप कट करते हो। उसके बाद बॉडी ऑफ नेल्स, जो सेंटर वाला पोर्शन है नेल्स का, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ नेल्स। उसके बाद आता है ल्यूनुला, जो वाइटिश पोर्शन, ये आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये हमारी फिंगर हो गई। उसके बाद हमने देखा फिंगर नेल ग्रो फास्टर देन टॉय, हाथों के जो नेल्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं कंपेयर टू पैरों के नेल्स। उसके बाद मैं ग्रोथ की बात करूँ तो मैंने आपको बताया लगभग 0.1 mm पर डे इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ पोर्शन डर्मिस लेयर का।